पहले ज्यादातर क्रिकेट मैचों में लकड़ी के स्टंप का यूज किया जाता था, लेकिन जब कोई बॉल लकड़ी के स्टंप से हल्के से भी टच होती थी तो एम्पायर को सही डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी। और फिर इस प्रॉब्लम का सलूशन लेके आया ये एलईडी स्टंप। लेकिन जितने के ये एलईडी स्टंप मिलते हैं उतने में तो आप लकड़ी वाले स्टंप की पूरी फैक्ट्री लगा लोगे। तो अब सवाल ये उठता है कि एलईडी स्टंप मिलते कितने के हैं। ये एलईडी स्टंप्स बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। अगर बॉल इन स्टंप के साथ कुछ ही मिलीसेकंड के लिए भी कांटेक्ट में आती है तो स्टंप पे लगी रेड लाइट ब्लिंक करने लगती है, और ये सब होता है स्टंप में लगे माइक्रो प्रोसेसर से। मतलब स्टंप में लगे माइक्रो प्रोसेसर स्टंप में मूवमेंट और वाइब्रेशन को ट्रैक करके रेड लाइट को ब्लिंक कराती है, और इन्हीं स्पेशल फीचर्स के कारण इन स्टंप्स की कीमत होती है 25 से 30 लाख रुपए तक की।